हम चाहते हैं पेशेंट हमारे पे विश्वास करे, हम तो खुद ही पेशेंट पे विश्वास नहीं करते। वो बात अलग है क्योंकि हमें फेलियर्स इतने मिले, उसने कसमें इतनी खाई, उसने कोशिश करी। जो फैमिलीज यहाँ बैठी हैं जिनके पेशेंट नशा नहीं करते, वो भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि दिमागी बीमारी है, नशे के बिना भी हो सकती है, नशे के साथ भी हो सकती है। अगर हम अपनी नींद के लिए, एंजाइटी के लिए, बेचैनी के लिए कोई गोली रोज खाते हैं, उसकी भी डिपेंडेंस हो जाती है। यानी कि हमें सोचों का नशा होने लगा। अब जिसको नींद नहीं आ रही, पूरे दिमाग में चली जा रहा है पूरा दिन, कब सोऊंगा, कैसे सोऊंगा, कैसे सोऊंगा, उसको भी अपनी बीवी का नहीं पता, बच्चे का नहीं पता, घर का नहीं पता। जिसके दिमाग में चल रही है कब शराब मिलेगी, कब पीऊंगा, कब पीऊंगा, उसके दिमाग में ना बीवी चल रही है, ना बच्चा चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। हाँ मैम, जी एक मैम, डायलेमा मैं और सोच रही थी कि जो मुझे यहाँ पे फील हुआ था कि जब हमने डिटॉक्स करा लिया था तो 8वें 9वें दिन मुझे लगा कि ये तो ठीक हो गए हैं, तो फिर एट दैट टाइम लेकिन हाँ, मीटिंग सुनी थी तो हर्मिटेज का क्वेश्चन तब आया कि अच्छा, इनको हर्मिटेज की ज़रूरत है ना? तो उस टाइम पे हम ये डिसाइड नहीं कर पाए, पहली बार जब आए थे तो हम ऐसे ही चले गए कि ये तो ठीक हो गए हैं, तो वी आर गोइंग बैक होम। तो आफ्टर 1.5 मंथ्स ऑफ एब्सटिनेंस तो मूड तो अच्छा नहीं हुआ इनका, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट तो कब कराया ही नहीं, शुरू ही नहीं कराया। तो फिर जब हर्मिटेज, तब भी डॉक्टर साहब ने बड़ी सोच समझ के हमें हर्मिटेज भेजा था। ऐसे नहीं था कि मैंने बोला कि सर प्लीज भेज दो, मतलब आई वॉज लाइक सर प्लीज भेज दो इन हर्मिटेज। तो मैम, वो वाला डायलेमा भी एक है कि आफ्टर डिटॉक्स फैमिली फील्स के पेशेंट ठीक हो गया, कार चलिए, बट ट्रीटमेंट सेज के इट नीड्स 100 डेज प्रोग्राम फर्दर। तो इशू क्या है? सो क्या है ना, मतलब इशू है डायलेमा। नहीं, इशू है हम, कि हम चाहते हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान, ठीक है, मगर पेशेंट हमारा डिपेंडेंट है, उसको हमारी कोई फिक्र नहीं, कोई हमारा रिश्ता नहीं। इतनी सारे हमारे इंसिडेंट्स हैं जिसको सोच के हम ये भी बोल रहे हैं कि हम छोड़ जाएंगे, हम शायद छोड़ के भी चले जाते हैं। हम नफरत करते हैं, हम उसको कोसते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर हम हॉस्पिटल ठीक है, मगर हम खुद को डिपेंडेंट हो चुके हैं, हमारा पेशेंट हमारा नशा बन चुका है, उसके दिमाग में बेटा घूमता है पूरी टाइम, नशा ही हो गया। आप बेटे का नशा करते हो, वो किसी और चीज का नशा करता है। सो वी डू दिस बिकॉज ऑफ आर कोडिपेंडेंस। अब वो कोडिपेंडेंस जो है वो हमारा डिस्चार्ज करा देती है, वो क्लाउडेड कर देती है हमारी मत को। हम मत की सुने या हम मन की सुने, एम्बिवेलेंस किसकी सुने? हाँ, कहना तो बहुत आसान है, अभी तो बोर्ड पे हो रहा है, अभी सारे वो पॉजिटिविटी है, सब समझ रहे हैं। अब कमरे में जाते जाते तक साथ में बेटा दिखना शुरू हो जाएगा, पति दिखना शुरू हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे जितनी बात हुई है मीटिंग में वो जीरो हो जाएगी। सडनली अंदर की माँ हावी हो जाएगी, सडनली अंदर की बीवी जो रिश्ता है वो हावी हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बैठ के सबसे पहले बोला जाता है फैमिली फर्स्ट। मतलब जो जो फैमिलीज नई आई हैं और वो सोच रही हैं, पेशेंट को बिठाओ ना, उसको समझाओ ना, भाई उसकी समझ ही मारी गई है, उसकी समझ ठीक नहीं है, अभी उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जो जो हम पेशेंट का ठीक करना चाहते हैं, हम यहाँ पर बैठ के पहले समझें क्या वो हमारा ठीक है। पेशेंट से हम स्टेबल, पेशेंट से हम प्यार चाहते हैं, हमारे अंदर तो नफरत है, खुंदक है, गुस्सा है। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।